ओम शांति। आज प्रिय सुधी वृंदे, प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी जिज्ञासु आत्मा माने, आज अमृत धारा तरफ आपण मान को हार्दिक अभिनंदन। यशु प्रभावतर आम अमृत धारा प्रस्तुत करा मालिका विचार सप्तार कि भाग श्रवण करे, पुणी आज आम नूतन अध्याय को अग्रसर करिबा। सामान्य अनुरोध आपण माने ए किछि समय पई निजर मन को एकाग्र करी, निजर मन भितर परमात्मा को स्मरण करी, भगवत प्रेम लीन होई, प्रभु प्रसाद पाया पई तलीन होई, शांत चित्त बसंतु। आज आम आलोचना करिबा से मालिका विचार आउ किसी अंश। पूर्वर आलोचना करा जाई थिला परमात्मा प्रदत्त ज्ञान को तांकर संतान माने निजे ग्रहण करी अन्य को प्रदान करुछंती। जीवन रे जोग तपस्या करी साधना करी ए घड़ी संधि मुहूर्त रे निजे को संसार रे परिचित करुछंती। भगवान निजे आसी पुत्र सुख देई, भगवान निजे आसी पुत्र सुख देई, बापरे धन रे कही पाठ जे पढ़ाई। भगवान निजे आसी पुत्र सुख देउछंती। सामान्य मनीष तार पुत्र को सुख देवा पाई केते साधना करुछी, केते साधन जोगई देउछी, जे कि सारा विश्व पिता परमात्मा स्वामी समस्त मालिक, सारा विश्व पिता जे कि कार्य सामिल होई निज को उत्सर्ग कर परमात्मा तांको के सुख देउथिबे ताहा बुद्धि आसी पारिबो नाही। जहा कि वेद कहुची अतिन्द्रिय सुख, अतिन्द्रिय सुख माने इंद्रिय रहित आम शरीर इंद्रिय मानक द्वारा परिचालित होउछि। अतिन्द्रिय जे कि इंद्रियर परे, इंद्रिय माने जार अधीन रे, तेणु इंद्रियर परे किए ए शरीर इंद्रिय मानक नहीं परिचालित होउछि। किंतु शरीर को परिचालित करुछि से अदृश्य शक्ति सूक्ष्म चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा, तेणु से माने ही आनंद अनुभव करिबे, आत्मा अनुभूति करिबे, अतिन्द्रिय सुख लाभ करिबे, जहाँ को भगवान ही निजर पुत्र भाव शिक्षा देउछि। भगवान ये शिक्षा देइथिबे हे संतान माने, तुम्हें हेउछ विश्वपाई संदेश वाहक, यही संदेश नहीं जाओ विश्व रे जी भी आत्मा अच्छा समस्त को उद्धार करिवार निजर ज्ञान गुण को प्रयास कर, प्रयोग कर, समस्त को निजर घर प्रकृत घर परम धाम परिचय प्रदान कर, एवं निजर पिता परमात्मा कर प्रकृत सत्य परिचय प्रदान कर, सत्य ठिकाना बतई दियो, एवं सत्य जुग जीवापाई सहज राजयोग एवं आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन र ज्ञान प्रदान कर। भगवान का द्वारा तांकर संतान माने ए शिक्षा गाँ गाँ रे बुली घरे घरे बुली प्रत्येक प्रत्येक आत्मा मान को प्रदान करुछंती। समय रे हमें माने मध्य तांकर सहित सहयोग करिबा एवं सहयोग करी आमे आमर जीवन को परिवर्तन करिबा, से कार्य को आमे सामिल होई सहयोग करिबा। यही कथा को के विश्वास करंतु बा नाही, किंतु महापुरुष मानकर मुख निसृत वाणी केबे भी विफल हेबो नाही। निरात सत्य ए अटे वज्रनाद वाणी, निरात सत्य ए अटे वज्रनाद वाणी, ब्रह्मा मुखे शिव कही गले पुणी। यह हूँ निराट सत कथा, ब्रह्मा का मुखरे शिव ए ज्ञान शुणी कि भली विश्व परिवर्तन हबो,
विचार करंतु मोर ज्ञानी गुणी भाई भणी माने महापुरुष माने अनेक वर्ष होला लिखिथिले ए मालिका किंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1937 मसीहा रे स्थापन होईछि किंतु यार कार्यकलाप या द्वारा विश्व परिवर्तन करिवार शिक्षा भगवान अवतरण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना केते वर्ष होला साधक माने ताहा साधना करी लेखि दे जाइछंती तांकर लेखा आज आमको आख्या करे जल जल देखा जाउछि आम पाखरे सत्य रे परिणत होउछि पुणी लेखिछंती उड़ुथिबे ब्यमजान माळ माळ होई उड़ुथिबे ब्यमजान माळ माळ होई बोमा वर्षण दृश्य रे भयभीत होई युद्धर खबर पाई छानिया होइबे युद्धर खबर पाई छानिया होइबे रख रख बोली कही मृत होई जीवे से समय रे ब्रह्मा वत्स माने समस्त को आध्यात्मिक शिक्षा देउथिबे पुणी महाप्रलयर तांडव लीला चलिथिबो उपरे एरोप्लेन बुड़ी बोमावर्षण करुथिबे देश सहर सब विनाश हो जाउथिबो सबुटी अग्नि जळि उठुथिबो भूमिकंप होउथिबो से समय रे निजर मानसिक स्थिति निजर परिवेश पारिपार्श्विक स्थिति किभल थिव विचार करंतु अंतिम काल रे जीव कहिबो एक कथा जेते बेले चेता तार पाई जीव रास्ता मुंड पिटीण कांदीब कि कली कि कली चंडाल चंडाली मुहि जानी न पारिली कहुथिले भाई माने आसए आश्रम शांति प्रिय स्थान यही अटे शांति स्थान से समय रे समस्ते कांदी उठिबे केते बड़ भाग्य को हराई बसिलु भगवान अवतरण समय को आम जानी पारिलु नहीं भगवान सान्निध्य लाभ करी पारिलु नहीं ए जीव को उद्धार करी पारिलु नहीं मुक्ति जीवन मुक्तिर प्राप्ति अधिकारी करी पारिलु नहीं मुंड पिटी कांदिले लाभ कौन हम समत गढ़ी चली से पश्चाताप करे जमें कि मनीष जन्म को पशु भली अतिवाहित करी कहा जाए सबुठ बड़ दंड हूँ पश्चाताप भूल करी पश्चाताप करिबा होउछि कष्टकर किंतु पश्चाताप कले आउ किछि मिली न थाए आउ किछि सेतिर न थाए सेई पश्चाताप समय को नहीं आमे आमर वर्तमान समय को किभळि आलोकित करि परिबा सेति पई दिग्दर्शन देबा दरकार संत कवि भीमभोइ कहिसंति सत्य युग सेतिर संपूर्ण आसीब पुरुषंकु नारी ज्ञान शिक्षा देले आरंभिब सत्य युग पुरुषंकु नारी ज्ञान शिक्षा देले आरंभिब सत्य युग जेतले भारत वर्ष रे पुरुष मानकु नारी माने शिक्षा देबे ज्ञान सुनेबे ता सत्य युग आसीजीव यही भारत रे किछि वर्ष पूर्वरु नारी मानकु बंदिनी करी रखा जाउथिला शिक्षा देबार सुजोग दिया जाउथिला घर कणरे बांधी रखा जाउथिला किंतु समय बदलिछि संसार भी बदलिछि जे नारी माने घर कोणरे थिले पापिनी बोली कहउथिला नागिनी बोली कहउथिला से नारी माने ही पुरुष मानकु भगवान कर प्रकृत परिचय प्रदान करुछंती ज्ञान प्रदान करुछंती महापुरुष मानकर वाणी आज देखंतु
से समय आसी पहुँची नारी मान पुरुष मैंने शिक्षा ग्रहण करुछंती पुनी युवा स्त्री माने घरे घरे पशि सुनाइबे सत्य ज्ञान पुरुष लोकंकु बुझाई कहिबे कलियुगे भगवान। युवा स्त्री माने घरे घरे पशि सुनाइबे सत्य ज्ञान। ब्रह्मा कुमारी जे कि सारा विश्व रे आज शिक्षार चांचल्य सृष्टि करी से मानक दर्शा जाई से युवती माने युव स्त्री माने ब्रह्मा कुमारी माने समस्त घरे घरे पशि समस्त को सत्य ज्ञान देवे जे केमी परमात्मा का अवतरण हो समस्त अज्ञान रूपक निद्रा को त्याग करतु मोह को दूर करतु मोहमाय को त्याग कर ज्ञान अर्जन कर निजक परिवर्तन करंतु से माने पुरुष मानक शिक्षा देवे जे वर्तमान होची पुरुष हुवंतु बा स्त्री हुवंतु समस्त परिवर्तन समय यही परिवर्तन समय रे समस्त को किसी ना किसी शिक्षा ग्रहण करिया पड़ो। मातृशक्ति द्वारा परमात्मा यही विश्व परिवर्तन करुछंती कह जाय छी माँ हेले पाठोई देश जीव आगे आज माँ मैंने पाठ ही पा शिक्षा दे शिक्षित करुंच पाने शिक्षा ग्रहण कर विश्व नूत नूत कार्य आरंभ करेणु से मातृशक्ति मानक वर्तमान यही शिक्षा द्वारा विश्व को परिवर्तन करिवार गुरुदायित्व दि जा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नारी मानक अग्राधिकार दि जा पुणी कहा जाइछि से माने किभली तांकर दैविकूल स्थापन करिवे बरफ पहाड़ सबू तरली आसीब बरफ पहाड़ सबू तरली आसीब समुद्र लंघिब गंडा बुड़ी जीव जलमग्न होइजीब ए सारा बनी जलमग्न होइजीब ए सारा बनी ठावे ठावे ढीप मन रही पुणी धार्मिक पुरुष सेठी करिबे निवास सत्य युग को बिहन होइबे अवश्य। बरफ पहाड़ सब तरली आसीब समुद्र लंघिब गाँ गंडा बुड़ीजीब समुद्र उछुली पड़ गाँ गंडा सब बुड़ीजीब जलमग्न होते जल आसब कड़ू बरफ पहाड़ मान सब तरली जीवे कहीं बर्तमान देखु पृथ्वीर उष्मता बढ़ी जा उष्मता द्वारा सब बरफ तरली जा आमर गोटे अच्छे उत्तर मेरु से उत्तर मेरुरे अनेक बरफावृत अंचल अच्छी जो बरफावृत अंचल रही वर्तमान से तरली जल निर्गत होगा जाऊँगी जल आसी सब समुद्र में पड़ू जो सब बरफ पहाड़ तरली जीव समुद्र जलपतन बढ़ी जीव समुद्र उल्लंघन करिव एवं समुद्र रु जलपतन बढ़ी यही भूमंडल को घोर देव से कण हे ना इमानकर जोग तपस्या बल रूम उधार पाइबे टिके टिके ढीप जगह थी जो बास करे ठाबे ठाबे पुणी धार्मिक पुरुष स्त्री करे निवास। बंगलार गोटे कथा अच्छी बल 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 सबे सत बिनु बिन रवे भारत आवार जगत सबाए श्रेष्ठ वासन लभे धर्मे महान हबे कर्मे महान हबे नवदिन मणि उदिबे आकाशे पुरातन ए पूरबे। समस्त मुखरे यही बाणी उच्चारण हो ए भारत स्वर्ग हो जाऊ भारत रे नूतन राज्य तैयारी हो देवी देवता माने बास करंतु देवी देवतांगर
रासस्थल बासस्थल हो जाऊ ए धरणी ए अवनी। भारत ही सबु देशर श्रेष्ठ से मातृभूमि भारत कहुची। वर्षा नाम भारत श्रेष्ठम, देश नाम उत्कल ख्यात, उत्कल से सम देश, देश नास्ति मोहि तले। यही भारत होची सारा विश्व श्रेष्ठ, से कहुची मातृभूमि भारत, मदर इंडिया। से हूँ समस्त माँ, जिते से समस्त माँ से गुरुत्व दि जाइए जे भगवान ये भारत अवतरण करती, लीला खेला आरंभ करती। जदा जदा धर्म से ग्लानिर्भवती भारत, अधिभूतान्यम अधर्म से तदात्मन सृजाम्यहम, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि जुगे जुगे। ये भारत बर्षे प्रति युगर शेष नुहे, सबु युगर शेष माने कली युगर शेष, सत्य युगर आरंभ समय। से समय परमात्मा अवतरण कर समस्त को उद्धार करिवार रास्ता देखे थांते, एवं भारत को परिवर्तन करे नरकर स्वर्ग करी थांते, पतित रूपावन करी थांते, एवं भारत रे स्वर्ग रचना करी देवी देवता मानकर सरंजना करी थांते। ए मालिका विचार द्वारा भारत को किभली स्वर्ग करी परिबा, देवी देवता माने केमिति बास करिवे ताहा में संक्षेप रे जानी परिले। जानिबा सहित आमे मध्य निजे कार्य लगाइबा, निजे आमे कार्य लगाइले साधारण मनिषरु आमे देवी देवता होई परिबा। आज समय आमको इशारा दउछे एई स्वल्प समय भितरे जतकिंचित आमे आलोचना करिछे से आलोचना चक्ररु निश्चित किसी शिक्षा ग्रहण होइथिबो। से शिक्षा को आमे कर्म रे व्यवहार रे चरित्र रे आनिले आमे मध्य जने देवता होई परिबा। एई सत्य युगरे देवी देवता होई जन्म ग्रहण करी भारत वर्ष को परिवर्तन करिबारे सहयोग करिबा। आज वाणी एटी विश्राम नेउछि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, सब तो प्रभुंका घर। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, सब तो प्रभुंका घर। एक परम ब्रह्म सबुरी मालिका, सीए तो परमेश्वर। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, सब तो प्रभुंका घर। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, सब तो प्रभुंका घर। भेद न रखी मन रे विश्व प्रेम भाव धर, विश्व प्रेम भाव धर, सूर्य चंद्र सम हुओ ए मोहिरे, सेवा पाई ए शरीर, सेवा पाई ए शरीर, त्याग र जीवन बंधन खोलिब, त्याग र जीवन बंधन खोलिब, मिलिब पुण्य पार। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, सब तो प्रभुंका घर। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, सब
कई धरारे जलती निभग स्थल पुणी एक भग धर्म को भिन्न न भावी मन रे कर नीति राजयोग निराकार ज्योति अगतिर गति निराकार ज्योति अगतिर गति विशेषर महेश्वर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार सबु तो प्रभुक घर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार सबु तो प्रभु घर एक परम ब्रह्म सबुरी मालिक सीए तो परमेश्वर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार सबु तो प्रभु घर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार सबु तो प्रभु घर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार सबु तो प्रभु घर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପେଇ ଗ୍ରାମ କଲ୍ଲବଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମୋ ମନରେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ନଥିଲା ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାରର ପିଲା ଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ବାପା ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାପରେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମ ଦାଦା ବିଭୂତି ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ଗୋପେଇ ଗାଁର ସେ ମୋତେ ଦିନେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଧର୍ମ କରୁଛ ଆଉ ଧର୍ମ ମାଗରେ ଚାଲୁଛ ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିଥିଲି ବାପ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ବନ୍ଧ ହେଲେ ଦେଖ ତୁମର ଲୌକିକ ଜୀବନରେ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଧରି ପିତା ବୋଲି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ମାନୁଛ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିସାବରେ ତୁମ ପିତା କିଏ ତୁମ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା କିଏ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ମୋର କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇଛି ଶିକ୍ଷା ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ନଥିଲା ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଖୋଲିଛି ମୁଁ ଏଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସେ ସ୍ନେହା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବି ଯାଇଥିଲି ସେ ପଥ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯାଅ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ଆଶ୍ରମ ବି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଶାଳିକଣ୍ଟାରେ ସେଇଠି କ୍ଲାସ୍ କର ସେଇଠି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ତାହାପରେ ତିନି ଦିନ ପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଏହା କଲି ଯେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବାପ ପୁଅର ସ୍ନେହ ମମତା କିଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହି ଆସିଛି ଏହା କଥା ମୁଁ ଭାବି ସବୁଦିନେ ସବୁଦିନେ କାମରୁ ଆସି ମୁଁ କାର୍ପେଣ୍ଟର କାମ କରେ ସବୁଦିନେ କାମରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାପରେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କରେ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଡେଲି ମୁଁ ଯାଏ ତା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଏହା ହେଲା ଯେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଧର୍ମ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଏ ତେଣୁ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯୁଗ ଯାଏ ପର ଲାଗି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଏ ମହାତ୍ମା ବି ଆମକୁ କହିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିନୁ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଛି ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉଣ୍ଟ ଦେବରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ମୁଁ ଦିନେ ମାଉଣ୍ଟ ଦେବ ଯିବି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଅନୁଭୂତି ଏହା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଯେ ମୁଁ କିଏ ଅନୁଭୂତି କରୁ ବା ନ କରୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଭବ କରିଛି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।